हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन लैपटॉप सर्विस सेंटर जिसका नाम सूरत कंप्यूटर। अभी आप देख रहे होंगे, आप एक एसर का लैपटॉप आपको नजर आ रहा है और अगर जो इसकी मॉडल की बात करें तो एकदम लेटेस्ट मॉडल है एसर एस्पायर 315-58 का लैपटॉप। आप देख रहे हो कि चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें काम कर रही है, लेकिन जब आप इसके इंचेस के उत्तर ध्यान दोगे तो ये आप देख रहे हो कि ये बॉडी से टूट करके बाहर आ चुका है। मतलब या तो कस्टमर ने मिसहैंडलिंग की है या फिर इसकी बॉडी किसी बच्चे के कारण या जो भी है किसी भी कारण से ये देख रहे हो कि पूरा टूट चुका है। और लेकिन शुक्र की बात यह है कि इसकी स्क्रीन अभी डैमेज नहीं हुई है। तो कस्टमर हमारे जान पहचान के थे तो उन्होंने जल्दी से आके हमें दिखाया है। और अभी आप देखोगे कि अगर जो इस कंडीशन में भी हम लैपटॉप को यूज करते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है। अगर जो हम इस कंडीशन में भी लैपटॉप को यूज करते हैं तो आप देखोगे कि ये इसको ओपन होने में और क्लोज होने में थोड़ा जोर पड़ता है, तो कभी कभी क्या होता है कि स्क्रीन भी डैमेज हो जाती है। और इन चीजों से बचने के लिए यही उपाय होता है कि जैसे ही आपको ऐसा दिखे कि भाई कहीं से टूट रहा है या खासकर हिंचन के एरिया से टूट रहा है तो उसको जल्द से जल्द आप ठीक करवाएं और किसी ऐसे जगह ना ले जाए जहाँ पे और आपको लेने के देने पड़ जाए। तो अभी आप देख रहे हो कि बाकी काम तो ठीक ठाक चल रहा है लेकिन ये स्क्रीन के जो हिंचेज है वो प्रॉपर टूट गए हैं। तो अभी आप देखेंगे कि हम इसको कैसे रिपेयर करते हैं और रिपेयरिंग के बाद ये कैसा दिखता है। फिलहाल तो हम इसको शट डाउन करेंगे और शट डाउन करने के बाद इसको हम फिजिकली खोल करके प्रॉपर इसको रिपेयर करेंगे। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे।